अब तू मारे को रोकेगी। अब केसर जेठानीसा की मांग में सिंदूर नहीं भर सकते। आपकी बींदनी, आपकी शादी मुझसे हुई है अधिराज। हाँ अधिराज, उस दिन मंडप में घूंघट के अंदर मैं थी, जिसके साथ आपके साथ फेरे हुए वो मैं थी, जिसके मांग में आपने सिंदूर डाला वो मैं थी, जिसके गले में आपने वरमाला डाली वो मैं थी। इतने दिनों से रजावत हवेली में जो आपके साथ रह रही थी वो केसर जेठानीसा नहीं, मैं थी। पहली बार आपने मुझे देवरानी सा नहीं देवी कहा। हाँ, कोई रिश्ता ना है हमारा थारे साथ। इतने दिनों बाद हमारे जीवन में रंग आए थे और आ गए यहाँ पे विघन डालने। देवरता, ये छोरी बहुत झूठ बोल रही है, हर बार झूठ बोलती रही। पहले झूठ कहकर हवेली में आई और फिर कहा कि मैं पेट से हूं, और अब कह रही है कि ब्याह भी इसके साथ हुआ है। कोई ब्याह ना हुआ इसके साथ, आपका ब्याह हमारे साथ हुआ है। मैं ही बैठी थी मंडप में। महासा सच जानती है अधिराज, मासा को भी पता है। मासा ने मेरा चेहरा देख लिया था। इतने दिनों से वो कुछ बोल नहीं रही थी, सही मौके का इंतजार कर रही थी कि कब वो घूंघट के अंदर मुझे बदल दे, कब वो आपको दोबारा धोखा दे। हिम्मत कैसे हुई मारे को धोखेबाज कहने की? उस सरी छुरी से मन नहीं भरा तो मारे लाड़ी सर को फंसाने आई है। बस मासा, बस एक औरत होकर आप दूसरी औरत के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है? आपको शर्म नहीं आई? और आप लोग, एक औरत दूसरी औरत के ऊपर कीचड़ उछाल रही है, आप सब खड़े होके तमाशा देख रही है, वाह। कहते हैं लोग, एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। चुप। ज्यादा भाषण देने की कोई जरूरत ना है। मारा गुस्सा और बढ़े उसके पहले ये हवेली से निकल जा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं मेरे घर में। बस बहुत बोल चुकी, अब यहाँ पर कोई भी एक शब्द ना बोलेगा। अरे को पता है कि मैं थारे से बहुत ज्यादा नफरत करता था, बहुत ज्यादा, पर अब खुद से नफरत करता हूँ, अपने आप से करता हूँ। और थारे को पता है क्यों? क्योंकि मैं थारे से प्रेम करता हूँ और बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। और यही सवाल अपने आप से पूछता था कि थारे से प्रेम क्यों करता हूँ, क्यों मारे को थारे से प्यार हो रहा है, क्यों मैं थारे पे भरोसा कर बैठा हूँ। अपने दिल अपने दिमाग से बार बार यही सवाल पूछता। तो कहते हैं ना कि प्यार में आदमी पागल हो जाता है, तो मैंने खुद अपने आप को प्यार में पागल बनते हुए देखा, वो भी थारे प्यार में। तो आज मैं ये बात अपने सामने कहूंगा कि मैंने अधिराज रजावत ने थारे से बहुत ज्यादा प्यार किया। सिर्फ तू ही एक छोरी है जिससे बहुत ज्यादा प्यार किया और हमेशा करता रहूंगा, पर क्या फायदा, अरे को तुम्हारे से प्यार है ना, प्यार तो मैंने किया थारे से। तू हमारे से प्यार नहीं करती तो क्यों हो गया? प्यार में सौदेबाजी थोड़ी ना होती है, एक तरफा प्यार भी बहुत अच्छा होता है। हमारे को एक ही सवाल जानना है कि आखिर थारे को सारी छोरे में क्या दिखा, क्या जो तू मारे को छोड़ के चली,
आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती? अपने दिल से पूछिए। अगर ऐसा होता कि मैं आपसे प्यार नहीं करती तो मैं घूंघट ओढ़कर शादी के मंडप में क्यों आती, क्यों शादी करती आपसे? कैसे मान लूं कि घूंघट में तू थी? इस सवाल का जवाब तो आपको खुद ही ढूंढना होगा अधिराज। उस दिन मंडप में दुल्हन की मांग में सिंदूर भरते वक्त क्या आपके हाथ नहीं कांप रहे थे? क्या आपको मेरे होने का एहसास नहीं हो रहा था? इतने दिनों में जब जब आपने मुझे छुआ, नशे की हालत में आपको मेरा चेहरा दिखाई दिया, आपको मेरे होने का एहसास हुआ, पर आप अपने आप को यही समझाते रहे। नशे की हालत में आप केसर जिठानी सा में मुझे देख रहे हैं, पर सच तो यही है कि मैं ही थी अधिराज, मैं ही थी। आपको लगा कि आप केसर जिठानी सा से आकर्षित हो रहे हैं, पर बार बार आप मेरे पास मेरे करीब आ रहे थे, मेरी ओर खींचे चले आ रहे थे। ये हमारा प्यार था अधिराज, जो हमें एक दूसरे की ओर खींच रहा था। भी आपसे उतना ही प्यार करती जितना आप मुझसे। आपने हर बार हमारे रिश्ते में दूसरों की बातें सुनी, दूसरों की बातों का विश्वास किया, इसीलिए शायद हमारे रिश्ते को ये इम्तिहान से गुजरना पड़ा। पर अब आपको एक बात समझनी होगी अधिराज, कि अगर हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं हमारे बीच इतनी जगह होनी ही नहीं चाहिए कि कोई और आए। बस एक बार अपने प्यार पे भरोसा करके देखिए, सारा सच आपके सामने होगा। क्लारिसा, ये छोरी की बातें मत सुन, वो थारे को बहका रही है। देवी पे बहुत यकीन किया मैंने, पर फिर भी एक बात ना हमारे मन में खटक रही है। वो क्या? कि तू विराट से शादी करने वाली थी ना। ये गलत है अधिराज। तो फिर उस कार्ड का के शादी के निमंत्रण कार्ड जो मैंने अपनी आंखों से देखा। कैसा कार्ड? कौन सा कार्ड? किसने भेजा? विराट, वो थारे सारी छोरे ने वो कार्ड भेजा, खुद मैंने देखा अपनी आंखों से उसका के। बस अधिराज बस। बहुत हो चुका। और कितने लांछन लगाएंगे आप मुझ पर, कितनी सफाई दूं मैं? आपको ऐसा लगा कि मैं विराट के साथ शादी करने वाली हूँ तो क्यों मुझसे आकर बात नहीं की, जानने की कोशिश की कि सच क्या है? पूछा आपने मुझसे? पूछ सकते थे ना आप, पर नहीं पूछा आपने। हमारे बीच की सारी गलत फहमियां दूर हो सकती थी अधिराज, आपको तो मुझसे सवाल करने की भी जरूरत नहीं थी। बस एक बार मेरी आंखों में देख लेते, सारा सच आपके सामने होता। मैं गलत नहीं हूँ अधिराज, गलत वो कार्ड था, झूठ था वो कार्ड, आशा की कोई झूठी साजिश। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि सबूत देने से सच्चाई साबित होती है तो ठीक है, कहाँ है वो कार्ड, लाइए। का कार्ड जहां कहीं भी छपवाया हो, चाहे असली हो या नकली, प्रिंटर अपना विज्ञापन जरूर करना चाहता है। वो बताना चाहता है लोगों को कि कार्ड कहां छपवाया है। इस कार्ड में भी प्रिंटर ने अपना नाम और पता छापा है। कितनी अजीब बात है ना, विराट रहता दिल्ली में है पर कार्ड सुजानगढ़ में छपवाया उसने। हो सकता है
कोई बात नहीं, हम प्रिंटर को फोन करके पूछ लेते हैं कि विराट ने छपाया है ना कार्ड। फोन करने की कोई जरूरत ना है। हाँ, कार्ड मैंने छपवाया और मैंने ही भेजा। क्योंकि तारे मन में, तारे दिल में जो देवी नाम का भूत था ना, वो मारे को उतारना था। वो देवी ने तारे को धोखा दिया, दुख दिया, और फिर भी तू देवी देवी करता रहा। मैं कैसे बर्दाश्त करती। मैं नहीं चाहती थी कि एक सैरी पढ़ी लिखी छोरी मरे अनपढ़ गवार बेटे को अपनी उंगली पे नचाए। और ये छोरी वो विराट को अपना दोस्त कहती थी, पर पता है वो विराट के साथ सो रही थी। तो सब कुछ तो जाने है ना, वो चिट्ठी में तो सब कुछ लिखा था। मासना, उस चिट्ठी के बारे में तो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। उस चिट्ठी के बारे में मैंने कभी किसी से बात ना कर। चिट्ठी में क्या लिखा था मैंने कभी आपको ना बताया, थारे से जिक्र ना किया। उस चिट्ठी को तो मैंने खुद अपने हाथों से फाड़ी, तो फिर थारे को कैसे मालूम कि उस चिट्ठी में क्या लिखा। पड़ गई तारे कलेजे में ठंडक। कर दिया ना मां बेटी को। अपना मारे को समझ में आ गया, अब मारी देवी के साथ मैं कोई जाति बर्दाश्त न करूंगा। अब मैं देखूं यो हवेली में देवी के साथ कौन गलत करे। सब समझ में आ गया मारे को। देवी मारी बिंदड़ी है, अधिराज रजावत की बिंदड़ी है। सुना, आज के बाद यो हवेली में देवी के साथ कोई भी जाति ना करेगा। हमारे को थारे से यो उम्मीद ना थी मास्टर। सच बता कि तेने अपने लाडे सर को उसके प्यार से अलग करने की कोशिश की, क्योंकि मारे को विश्वास ना हो। थारी जुबान से सुनना है मारे को। तेने क्या हो सर? क्या मैंने मेरे लाड़े सर को इस छोरी से दूर किया, क्योंकि मैं हमारे लाड़े सर को प्यार करती हूँ। इस छोरी के परिवार की वजह से मैं बर्बाद हुई, मर सिंदूर मिटा, इतनी आपदा पड़ी, तो मैं परिवार से बदला लेना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि एक पढ़ी लिखी छोरी मारे अनपढ़ बेटे को अपनी उंगली पे नचाए। नहीं चाहती थी मैं हराया तारा ब्याह वो छोरी के साथ, क्योंकि ये छोरी को मैं अपने पैरों की जूती बनाना चाहती थी। ये कभी ना चाहा कि मारा लाड़ सर ये दुश्मन की छोरी से प्यार कर बैठे। कभी ना चाहा मैंने इसकी वजह से, किया मैंने
तुम दोनों को अलग किया मैंने। और मैंने थारा दियर वतन इसीलिए कराया कि तारे लिए ये केसर सही बिंदनी है। ये पढ़ी लिखी देवी ना। कह दिया तने? आज भी अपना हुक्म तने सुनाई दिया, पर आज मैं थारा कोई भी हुक्म ना मानूंगा। बचपन से लेके आज तक हर चीज मैंने वो की जो तने कही। थारी जुबान से निकली हुई हर बात मैंने की और अपने सरबत्थे पे रखी। बताए क्यों? क्योंकि थारे को मैंने भगवान माना। सही गलत कभी पूछा ना मैंने। जो थारी जुबान से निकली मैंने उसी को सही माना और वही किया। तो उसकी बात करें, दुश्मन की छोरी। अरे वो छोरी ने थारा के बिगाड़ा, इस छोरी के साथ थारी के दुश्मनी है। दुश्मन तो थारी इस छोरी के परिवार के साथ थी मासा। इस छोरी के साथ ना इसने थारा हर जुलम सरबत्थे पे रखा, इसने थारी हर गलत काम अपनी आंखों के ऊपर रखा। रोती रही, चिल्लाती रही, पर कभी भी कुछ ना। तू उसको अपने पैर की जुत्ती बनाना चाहती थी मासा। उसने तो थारे पैर की जुत्ती को अपने सर मत्थे पे लगा ही लिया, पर तू उसे अपने पैर की जुत्ती ना बना पाई। ओ थारी सबसे बड़ी हार है। और तू मारे को अपना बेटा कहती है, लाड़े सर कहती है, लाड़े सर कहती है तुम्हारे को अपना। अरे कौन सा लाड़े सर? थारे को अपनी लाड़े सर की खुशी ना दिखी उस छोरी के अंदर? हो गया प्यार। प्यार जब होता है ना मासा, किसी को पता ना चलता। और अब मैं थारे से एक ही बात कहूं, मेरे और मेरी देवी के बीच में कोई नहीं होना चाहिए। बहुत सुन लिया, बहुत थारी बात मान ली, थारी जुबान से निकली हुई हर बात मैंने मानी, पर अपना मानूंगा। के सही के गलत वो मारे को मालूम और वो ही मैं करूंगा। और अगर कुछ और जहर पड़ा है तो आज ही निकालूंगी, आज के बाद थारे को मक्खन दूंगा। उसे भूल कर, पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करते हैं। हम दोनों सारी जिंदगी एक साथ। कोई शक नहीं, कोई शिकायत नहीं, नए जीवन की शुरुआत करते हैं। इन सब में हमारा क्या होगा देवर साहब? इस्तेमाल किया गया था और हमारे हमारे बच्चे के सुनहरे भविष्य के सपने दिखाए गए थे हमारे को। और अब हमारा अस्तित्व क्या है? मुकुंद रजावत की विधवा या फिर अधिराज रजावत की बिन प्याई बींदनी? हरे को हमारी फिक्र ना है देवर साहब, हरे को हमारे होने वाले बच्चे की फिक्र है। उसने बाप का प्यार छीन लिया जा रहा है और आपने तो कहा था ना कि उसे बाप का नाम देंगे। अब क्या? सही जा रही है कि सिर्फ भी नहीं, कुछ हाथ से जाने के बाद भी मौका हाथ से न जाने दे रही। अरे को जवाब दे दो देवर साहब।